हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम एवं सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। आपको डाउनलोड कैसे करना है, यूपी बोर्ड के कौन कौन सी मतलब नोटिफिकेशन है, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, मतलब मैं आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज एक ही वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने वाला आपको किसी भी चीज़ की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा यूपी बोर्ड के जो एग्जाम है वो 24 मार्च से स्टार्ट हुए थे, जैसा कि आपको पता होगा, और जो 12 अप्रैल है उस दिन खत्म हो गए थे। लेकिन इंग्लिश का जो एग्जाम है वो पोस्टपॉन्ड होने के कारण, कैंसिल हो जाने के कारण, वो लगभग मैं जानता हूँ 13 अप्रैल को वो हो चुका था। उसके बाद हम बता दें कि अगर यूपी बोर्ड की अगर हम पूरी की बात करें तो यूपी बोर्ड में लगभग 51 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें कि टेंथ के और ट्वेल्थ दोनों को कंबाइंड मिलाकर। लेकिन जो कि पेपर देने के लिए गए थे वो केवल और केवल 47 लाख लोग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप लोगों को पास होना है, अगर आप यूपी बोर्ड में चाहते हैं कि हमें पास होना है, वो भी अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। लेकिन बहुत समय पहले मैं एक वीडियो नहीं, मैं कम से कम 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं कि आप अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिए। आपको बता दें, जिस व्यक्ति की, जिस स्टूडेंट की जो राइटिंग जितनी ज्यादा इंप्रूव थी, जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी थी, उनके लिए एक्स्ट्रा 1 नंबर बोनस भी दिया गया है। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों को पास होना है तो जो आपके नंबर है उनमें से 33% आपको नंबर लेके आने होते हैं, जिसके कारण आप पास हो सके। अगर आप लोगों ने पूरी साल अच्छे तरीके से तैयारी की है, अच्छे तरीके से आपने कोचिंग वगैरह लगाई है, सेल्फ स्टडी की है, तो 33 नंबर लाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप पास हो सकते हैं। लेकिन उसके केवल आप लोगों को पास होना नहीं है, पास होने के अलावा भी हमें बहुत सारी नॉलेज गेन करनी होती है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, यूपी बोर्ड की जो कॉपियां हैं 2.25 करोड़ के लगभग कॉपियां हैं जो कि चेक की गई हैं। आपको बता दें, 51 लाख लोग जो थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, 47 लाख लोगों ने क्या काम किया था, वहां पर एग्जाम देने के लिए गए, लेकिन कॉपी कितनी थी, 2.25 करोड़। इतनी कॉपियां क्यों आई, आपको पता होगा ना कि बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी या डी कॉपी तक लेते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा कॉपी ये बन जाती हैं। आई थिंक आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। आगे हम बात करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं, उसे हम किस तरीके से देखें, तो आपको बता दें एक वेबसाइट है जिसका नाम है upmsp.edu.in एक तो ये है, एक uprizult.nic, इस तरीके से ये मैंने आपको दो वेबसाइट बता दी है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा sarkarirezult.com पे, वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सबसे पहले वहां पर आ जाएगा। अब आपका मन में ये डाउट होगा कि आखिर ये जो हमारा रिजल्ट है आएगा कब, और मतलब कि हमें कैसे देखना है। तो देखो, आपको बता दें ये जून चल रहा है, जून आज आई थिंक मेरे को जानता है आज 14 तारीख हो चुकी है। मैं समथिंग बता रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल आप लोगों का जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करेंगे और आपको बताएंगे भी कि कौन टॉपर है कौन टॉपर नहीं है। राजस्थान बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, इनमें तो लड़कियों ने बाजी मारी है। अब ये देखना बाकी रहेगा कि क्या हमारे यहाँ के यूपी बोर्ड में लड़के बाजी मारने वाले हैं या फिर लड़कियाँ बाजी मारने वाली हैं। ये तो हम जब ही देख पाएंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आप अपनी तैयारी जो भी है, जैसे कि रिजल्ट के बाद की जो तैयारियां होती हैं, जो भी आपने एग्जाम भरा है उसकी प्रॉपर आप तैयारी करते रहिए। आगे आपको क्या फ्यूचर प्लान बनाना है उसे आप मतलब कि आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि आप यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट है उसे डाउनलोड कैसे करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 आप लिखेंगे, वहां पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में अपना रोल नंबर डालो, और उसके बाद में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, एक वेरिफिकेशन कोड डालो, जैसे आप डालेंगे आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, और देख लीजिए कि आप लोग पास हुए हैं या फिर फेल। अगर आप फेल हुए हैं तो आपको बता दें कंपार्टमेंट आती है, आप एक अलग से मतलब पेपर देकर आप उसका मतलब पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सब में फेल वगैरह हो जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा यूपी बोर्ड जो है हमेशा तो नहीं, लेकिन मैंने कई बार से मैं देख रहा हूँ 9th और 10th का जो रिजल्ट है वो एक साथ अनाउंस करता है। तो इस बार भी जो अनाउंस होने वाला है रिजल्ट वो एक साथ ही होगा, बस बेसब्री से आपका जो इंतजार है वो बस खत्म होने ही वाला है, जल्द आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने होगा। आपको अगर आप लोग बायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आपको मैं बता दूं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि आपको इंटर के बाद क्या करना चाहिए, या फिर आपको कोई भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, क्या फ्यूचर प्लान है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में मैंने नॉलेज वहां पर दी है। आपको वीडियो लगी, कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।